हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। आज क्लास 9th का न्यू चैप्टर, विच इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, थोड़ा सा ट्रिकी टेक्निकल चैप्टर है ये। क्लास 9th का क्लाइमेट, आज मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट में। तो क्लाइमेट एक्चुअली में होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्लाइमेट वेदर का डिफरेंस, और इंटरेस्टिंग भी है। आपने डेली न्यूज़पेपर में वेदर पढ़ते होंगे, वेदर फोरकास्ट, वेदर रिपोर्ट। क्लाइमेट फोरकास्ट नहीं होता, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 30 साल या 30 साल से ज्यादा। वेदर रेफर करता है स्टेट ऑफ एटमोसफियर ओवर एन एरिया एक पर्टिकुलर टाइम पे, और एलिमेंट जो है वेदर और क्लाइमेट के सेम है, मतलब जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं दे आर सेम, लाइक टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये ऑल द मोर दे आर ऑल सेम। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट करती है। मार्च में अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 73 ईयर्स के बाद मार्च तो जो है इतना वेरिएशन वाला ये मंथ रहा है। कैसे? फर्स्ट 2 वीक्स मार्च के बहुत हॉट थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे, और इतने हॉट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हॉटेस्ट ईयर्स राउंड अबाउट 102 साल बाद हुए हैं। सेकेंड पार्ट जो मार्च का है, दैट इज लास्ट के जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया, वो काफी कूल थे। 73 ईयर्स में इतने कूल टेम्परेचर डाउन मार्च में कभी नहीं हुआ ड्यू टू द रेनफॉल। हालांकि हमारे लिए तो वो टेम्परेचर कूल हो गया, लेकिन किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छा साइन बिल्कुल नहीं था, उनके लिए नुकसान की बात थी। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है फ्लक्चुएशन का। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमोस्फेरिक कंडीशन, ईयर को 4 उसमें डिवाइड किया गया, विंटर, समर, रेनी सीजन बेसिकली, और बीच में और भी एक दो सीजन आते हैं। वर्ड मानसून डिराइव कहाँ से हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, डू यू नो का मैंने अंडरलाइन किया है। मौसम वर्ड अरेबिक वर्ड है। मॉनसून रेफर्स टू द रिवर्सल ऑफ विंड कंडीशन। विंड कंडीशन का जो रिवर्सल है वो मैं आपको आगे मैप से समझाऊंगी कि रिवर्सल ऑफ विंड कंडीशन क्या होता है, और व्हाई इंडियन क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। एशिया में इस टाइप का क्लाइमेट जो है मेनली साउथ और साउथ ईस्ट में मिलता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, रीजनल वेरिएशन इंडिया में जरूर होते हैं। आप अगर दिसंबर मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर, मतलब मध्य प्रदेश क्रॉस करेंगे, आपको मध्य प्रदेश में वहां पे नॉर्मल लगेगा। जब हम लोग नॉर्थ में स्वेटर पहनते हैं वहां पे नॉर्मल सन जो है वो राइज करता है, और सन की हीट होते हैं नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक देश में नहीं, आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं। समर में मरकरी टच करता है 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में, वाइल इन पहलगांव जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस। विंटर में नाइट टेम्परेचर द्रास में जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री माइनस, और तिरुवेंद्रपुरम यहाँ पे केरला में 22 डिग्री। आप देख रहे हैं, ये रीजनल वेरिएशन कहते हैं इसको, और ये रीजनल वेरिएशन हमारे इंडियन मॉनसून का एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है। देर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेसिपिटेशन मोस्टली इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, और एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी करती है 400 सेंटीमीटर मेघालय से लेकर 10 सेंटीमीटर लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान तक। अब लद्दाख में इतनी कम रेनफॉल क्यों होती है? ऑब्वियस है, लद्दाख में रेनफॉल कम होती है, स्नोफॉल ज्यादा होती है। बट सम पार्ट्स लाइक जो तमिलनाडु में फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तमिलनाडु जो है विंटर रेनफॉल रिसीव करता है वो आप अक्टूबर से नवम्बर के बीच में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर, वाई? बिकॉज नियर टू द सी। आप 7th से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी में भी पढ़ा होगा, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, कोस्ट में कॉन्ट्रास्ट नहीं होते। बॉम्बे में कोस्टल एरियाज में कोई वेल डिफाइंड
जो है वो विंटर नहीं होती. सो देर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब आपका वेस्ट बंगाल से और राजस्थान की तरफ. दीज वेरिएशंस दे हैव गिवन राइज टू वेराइटी ऑफ लाइफ, जो खाना लोग खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और जिन तरीके से, जिस तरीके से हाउसेस में रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आऊंगी आपके साथ में और नेक्स्ट क्लास में. बहुत टेक्निकल चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको व्यू करिएगा. प्लीज शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.